जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांटर प्लांटर्स में आप लोगों का स्वागत है। अभी जैसे बादल हो रहे हैं, बारिश की पॉसिबिलिटी है कि आज जो है बढ़िया बारिश हमारे यहाँ पे हो सकती है। जैसा मौसम विभाग का भी शायद पूर्व अनुमान है कि अभी कुछ दिनों में जो है अच्छी और बढ़िया बारिश अपने सभी एरियाज में शायद होगी। तो दोस्तों, वीडियो जो है आज का हमने जो टॉपिक रखा है, जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातचीत करी थी कि रॉटिंग से कैसे बचाएं हम अपने एडेनियम्स को, क्योंकि पिछली बार हमने ज़्यादातर ऐसे एडेनियम आपको दिखाए थे जो रॉटिंग के जो है प्रोन है, मतलब उनमें रॉटिंग होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। आप जो है रेफरेंस के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं कि इनके अंदर जो है रॉटिंग आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो रॉटिंग से कैसे बचाएं, तो उसके लिए सबसे पहले जो है, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, ऐसे गमले आप चिन्हित कीजिए या ऐसे गमले हमको देखने हैं, जैसे इस तरीके के गमले हमको देखने जिनमें से पानी नहीं निकल रहा हो, बारिश हो जा रही है या आप पानी दे रहे हैं उसके बाद भी जो है गमले नहीं सूख रहे हैं, या बारिश होने के घंटे भर बाद भी आप देख रहे हैं कि गमले के अंदर से पानी नहीं सूख रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मैं एक गमले के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला गमला है, अभी आप रिपॉट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बारिश का सीज़न है, मगर फिर भी समझ लीजिए इस गमले में पानी रुकता हो, तो इस तरीके से कोई भी आप जो है पुराना कपड़ा या बोरी या टॉवल ले लीजिए और इस तरीके से इसको चारों तरफ से ढकते हुए और इसको जो है आप इस तरीके से खुड़का लीजिए। खुड़काने से क्या होगा कि मीडिया जो है इसका लूज़ हो जाएगा वॉल की साइड से, पहली चीज़। दूसरा, साइडों से इस तरीके से अपने को दबा लेना है। अभी दबा लेने के बाद आप देख रहे हैं कि मीडिया लूज़ हो गया, तो ये जो है ड्रेनेज इस पौधे का जो है प्रॉपर हो जाएगा। जैसा पहले जो है इसके अंदर पानी रुक जा रहा था, वो समस्या इसमें नहीं आएगी। ये छोटे बड़े सभी तरीके के गमलों में जो है आप ये वाली प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे गार्डनर दोस्त जो हैं ऐसे वीडियोस में भी काफ़ी सारे बताते हैं कि बारिश आ गई तो आप जो है एंटी फंगल आपके पौधों में दीजिए। तो कभी भी जो है ज़्यादा एंटी फंगल अगर आप पौधों में दे देते हैं तो पौधों के लिए जो है बहुत नुकसानदायक रहता है, क्योंकि मीडिया जो होता है इसका, जिसके अंदर पौधे लगे रहते हैं, गमला हो चाहे ज़मीन हो, तो एंटी फंगल बहुत ज़्यादा या केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ करने से उसमें जो यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं, जो फ़ायदेमंद जीवाणु होते हैं, वो भी जो है मर जाते हैं नुकसानदायक के साथ साथ में। तो कोशिश करें कि मीडिया में जो है हम एंटी फंगल नहीं मिलाएं। बायोलॉजिकल अगर आपके पास एंटी फंगल है जैसे ट्राइकोडर्मा, आप वो मिलाइए, उससे जो है नुकसान नहीं है मीडिया के अंदर। ट्राइकोडर्मा आजकल बहुत आसानी से मिल जाता है, मैंने ट्राइकोडर्मा के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पहले वीडियो बनाया हुआ है। और जहाँ तक केमिकल की बात है, तो केमिकल आप पौधों पे स्प्रे कीजिए रेकमेंडेड डोज के हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, जो पैकेट पे उसके रेकमेंडेड डोज हो। ऐसा एंटीफंगल लीजिए जो सिस्टेमिक हो और साथ साथ जो है कॉन्टैक्ट वाला भी हो, तो पत्तों से जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका एंटीफंगल और मीडिया को जो है आपके ख़राब नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमने को ध्यान रखनी है। पौधों को ऐसी जगह रखिए जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा का संचार अच्छे से हो, जिससे जो है पौधों में बहुत सारा पानी ऊपर नहीं भरा रहे, रुका नहीं रहे पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों में पानी भरे रहने से भी जो है फंगस आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी, जैसे मैंने बताया, गमलों की मिट्टी नरम कीजिए, गुड़ाई कीजिए, और एंटीफंगल की अगर आपको लगता ही है कि ज़रूरत हो सकती है तो पत्तों पे स्प्रे आप कीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने पौधों को बचाइए। कुछ और भी टिप्स मुझे ऐसे ध्यान आती हैं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो और प्लान कर लूँगा और उसमें आपको और डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर्स आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।